वो अस्पताल है, सारे मरीज हैं और अब तो हम नौने में आए हैं। हमारी एंट्री हो चुकी है नरौली में। यहाँ पे बाजार लगती है शनिवार की, ये पूरा फील्ड है यहाँ पे बाजार लगती है और ये नरौली का पूरा गली है। यहाँ से हम होते हुए जाते हैं गांव, तो हमने एंट्री ले ली गांव में, अब हम जाएंगे गलियों गलियाँ हैं। पानी भरा पड़ा है, माय गॉड, यहाँ पे लोग बैठे हैं और ये बाग है, ये पेड़ है आम का, इस पे हम अमरूद तोड़ते हैं। चलो भाई, आपने कितने तोड़े ना यहाँ से? बहुत इंजॉय करते थे हम बचपन में, यहाँ पे सारे फल मिलते हैं। यहाँ पे वो ये वाले पेड़ है अमरूद आम ककड़ी के पेड़ है, ये ककड़ी के पेड़ है, ये भी सब भैया दीदी बहुत ज्यादा इधर, मतलब सबसे ज्यादा मस्ती करी थी क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ है, यहाँ पे मीठे मीठे पेड़ है और हमें अंकल जी बहुत डांटते थे, बहुत ज्यादा घना था ये। और ये गली जा रही है, ये वाली गली, यहाँ से हम लोग बड़ा कर जाते थे, तोड़ते थे हम लोग कच्ची बिलों तोड़ते थे। ये लेटे का है, ये है हम, ये आलू है, ये लेटे है, अब हम लेने वाले हैं आंटी अपने गांव में। ये देखो देखो भाई, अब हम एंट्री लेने वाले हैं अपने गांव में। ये एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे सारी भैंसें होंगी, यहाँ पे दुकानें हैं, सब कुछ है, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको। ये दीदी डर चुकी है हमारी, ये है शॉप, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, यहाँ तक पेट्रोल तक भी मिलता है, चाहे पानी मिक्स हुआ पर होता जरूर मिलता है। क्या धन्नो धन्नो करी है यहाँ पे, और उनके ये बच्चे हैं और बड़े हैं छोटे हैं। ये है आने वाला है अम्बेडकर पार्क, जो हमारे दादाजी के हाथों से बनवाया था, और ये है उनके हाथ की निशानी है। और आगे चलते हैं, बहुत हिल्ला है फोन। अब हम जाने वाले हैं खेत पे, आपको पूरा खेत दिखाएंगे हम, वहाँ पे सब कुछ पैदा सी होती है, आलू है और लेटा है, वहाँ पे सब कुछ पैदा सी है। चले हैं अपने कुआं पे और खेतों पे, तो पूरा दिखाएंगे हम आपको, पूरा देखना, एंजॉय करने वाले हैं हम लोग और अच्छे से दिखाएंगे। गाइस हम उतर चुके हैं गाड़ी में से, तो आगे चलते हैं, आपको पूरा दिखाते हैं अपना गांव, और ये है खेत वो भी लेटे का, इससे फली आती है लेटा, इससे तेल बनता है ऑयल, और बाकी लोग पीछे आ रहे हैं हमारे। ये है परी हमारे साथ आई है घूमने के लिए, हमारा पूरा गांव देखने आई है, और ये भाभी की बहन की लड़की है, क्या नाम है बाबू आपका? परी। परी क्यूट सी है, चलो आपको हम पूरा गांव दिखाते हैं। पीछे चल रही है, बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है यार, हम तो दिखाने के लिए आए हैं, ये पीछे चल रही है। तो गाइस हम चलते हैं आगे, अभी तो बहुत दूर है, इस वाली गली से जाएंगे हम लोग। मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बुखार हो गया था, जुकाम हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो अब मैं बाहर आई हूँ इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। और सब लोग जा रहे हैं आके आके, ये देखो अभी मैं गिरती मैं गिरती है। हमारा कुआं, उससे चलता है पानी और खेत में पानी लगता है पूरा, तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर लेटा लेटेगी वो हुई है, तो उसका साइज नेम है कुसी फेरी, फेरी बोलते हैं लेटे को। और तो ये है, हम आगे आने वाले हैं और
वहाँ लेटा ही लेटा है वो, आप सामने देख रहे हैं वो हमारा कुआं है जिससे इनमें पानी भरा जाता है। दूर दूर तक आपको वो पेड़ दिख रहे हैं ना, वही वाला पेड़ जो दिख रहा है, वही पेड़ जो दिख रहे हैं वहाँ तक हमारा ही खेत है ये। और जहाँ हमारी कार खड़ी है जहाँ से लास्ट में, वहाँ तक हमारा ही सब खेती खेत हैं, ये सब हमारे खेत हैं। और थोड़ा सा खेत और है हमारा, दिखाती हूँ मैं, आइए गाइस देखिए। ये खुश हो रही है पागल लड़की बहुत ज़्यादा गांव में आके। ये हमारी माँ और हमारी भाभी जी माँ सब आए हुए हैं, बाकी सब आगे खड़े हैं। और ये हमारे हुए हैं यहाँ पे गेहूँ, ये है गेहूँ, ये गेहूँ है, ये गेहूँ है ना, हाँ मैंने सही पहचाना, ये गेहूँ है जो आप जिससे आप रोटी खाते हैं ना बना के, ये सब गेहूँ है उस चीज़ के, ठीक है। ये तार कसिंग कर रखी है इसके अंदर सब सब जगह लंबा पूरा वहाँ तक कार तक, इसलिए क्योंकि इसके अंदर काव वगैरह नहीं जाए। मुझे ये वर्ड्स बहुत पसंद है, ये चीची कर रही है इसने, उड़ जो रही है। हाँ जाएंगे, हाँ अभी जाएंगे, अंदर जाएंगे हम, अभी इधर दिखाने आए हैं भाभी जी को यहाँ सब जी है ना, ठीक है। हाँ ये लास्ट वहाँ जहाँ तो वो पेड़ नहीं दिख रहा मम्मी, वहाँ दिखता है लास्ट। ये हमारे गांव के हीरो हैं जो हमारे लड्डे की देखभाली करते हैं, अम्मा ने इन्हें लड्डे की देखभाली के लिए लगा रखा है। यहाँ जैसे वो आंटी जी उधर आपको दिख रही होंगी शायद, वो छोटी सी वो आंटी है, घास निकालती है, तो वैसे निकालती है तो लड्डा खराब कर देती हैं गेहूँ वगैरह, इस वजह से ना मना करते हैं, यहाँ पे देखभाली करते हैं कि ना निकाले। ये हमारे बीच में भाभी के पीछे जो है वो भाभी के भैया, ये हमारी मम्मा, मम्मा हेलो करो, हाँ गुड, ये आंटी जी हमारी, ये हमारी परी जी हैं, हेलो करो परी। मोहित भैया हेलो करो, चल चल लग जाओ काम पे, बधुआ थोड़ा चलो बधुआ। अरे हाँ इसमें बथुआ मिलता है आपको, मैं दिखा सकती हूँ अगर यहाँ दिख रहा हो बथुआ, देखो बथुआ का पेड़ दिखाऊँ मैं आपको, देखिए ये बथुआ का पेड़ है, ठीक है, ये बथुआ का पेड़ है जैसे हम आप परांठे कचौड़ी खाते हैं बना के, वो चीज़ है ये। हाँ मेरे कपड़े टी शर्ट फट जाती है अभी, पर बच गई नहीं पटी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पार्टी आगे जा रही है और हम भी आगे जा रहे हैं, सब लोग आगे जा रहे हैं, आगे का पानी भर चुका है ले रहे हैं के चलना है। हाँ देखिए यहाँ बारिश है और यहाँ पानी लगता है एक खेत से, एक ट्वेल से दूसरे मतलब खेतों में, तो अभी पानी हो जाता है। यहाँ देखिए एरिया हमारे गांव में दूर दूर तक लटक किया गया है, मतलब देखिए मैं पूछूँगा दिखा दूँ, दूर दूर तक मतलब लटक किया है। आई होप यू लाइक इट My videos, हमको शेयर क्या करो यार, उनको लाइक तो कर ही दिया करो कम से कम। मुझे जुकाम हो रहा है बहुत, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा साइलेंसली है, ज़्यादा शोर नहीं है। हाँ अब शांति है, सब मूड किसी का खराब हो ना तो मैं जंगल में आराम से बैठ सकता है आके, और किसी पे चीखना हो ना तो आराम से चीख सकता है तेरी, मतलब कुछ भी कह गाली नहीं दूंगी, बच्चे बूढ़े सब देखते हैं वीडियोस, हमारे बड़े भी देखते हैं, वो कहेंगे इतनी गंदगी निकल जाते हो तुम, हमारे साथ आंटी चल रही है, देखो घास पूछ लेके चलेंगे अपने भैंसों के लिए गायों के लिए। अरे दिखा वो लोग कैसे जा रहे हैं देखो, हम भी ऐसे जाएंगे देखो, देखो आपकी यूट्यूबर ऐसी गई है। चलो अरे तुम भी निकलो, सही से निकलिए लल्ली, संग में साड़ी, ये साड़ी भी लेके जानी है साथ में, गुड बहुत सही। नहीं ये वो है मेंथा, आओ फिर
इसे कुछ नहीं पता, ये बच्ची बेचारी हमारी बहुत छोटी है, इसे कुछ नहीं पता, पर मुझे प्लांट्स के बारे में बहुत जानकारी है। ये मेंथा है, जिससे पेपरमेंट का तेल निकलता है, ये दवाइयों में यूज होती है, मेडिसिन में। आपने कभी देखा होगा आपकी जो ट्यू लगाते हैं दर्द वाला, उसमें खुशबू जो आती है वो इसी पेड़ की आती है, मेंथे की। ये वहाँ पूरा मेंथे का पौधा लगा रखी है, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मस्त लग रहा है ना, वो भी ठीक हो जाएगा। और ये है मुकैयों का पेड़, इसमें फ्लावर आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद इसमें मुकैयाँ आएंगी, बड़ी छोटी छोटी, बहुत प्यारी प्यारी, सुंदर सुंदर। ये मेंथा है गाइस, देखिए हमारी दूसरी यूट्यूबर रजनी, और उनका चैनल नेम है BS मजेदार वीडियो, प्लीज इन्हें भी सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मैं तो सो जाऊं रे, मेरी पिक खींची बहुत अच्छी गाइस, आप देख सकते हैं वीडियो, इसमें बना लूं नहीं, इसे मतलब फोटोज वगैरह खींचने होते हाँ, हैं ना, इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ, कोई बात नहीं। ये हमारा कुआ, इसमें पानी जाता है, इसमें हम आपको पता है हमारा प्यार रॉबिन के बर्थडे पे आके हमने इसी में मस्ती करी थी, भाभी रॉबिन के बर्थडे पे हमने वाऊ संभाल के हमने इसी में मस्ती करी थी आके, अभी गंदा हो रखा है क्योंकि इसमें पानी नहीं चल रहा है। नहीं, इसी साल आए थे और यहाँ पे लेट लेट के आए थे, पता बहुत चोट लगी थी दीक्षा के, गिर गई थी ना वो। भाई ये हमारा है लड़का, हाँ ये बारिश और हवाओं की वजह से कितना गिर गया, इसमें फरी कितनी पतली है, बहुत पतली, देखो कितनी पतली है, इसमें आएगा, दुआ करो इसके लिए जल्दी ठीक हो जाए। इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, होती है शायद है, इससे इससे ऑयल बनता है ओनली, जैसे हम कुकिंग में यूज कर सकते हैं ओनली, ऑन कुकिंग में, मसलाई में, बेबी की, उसको गर्म करके बेबी के लगाई आप इसका तेल, तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और क्या बोलते हैं सबसे अच्छा रहता है वो, बच्चों को मसलाई करने में, आपके घुटने में दर्द है तो उसके अंदर कपूर डाल के बड़ा करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका तेल काफ़ी पौष्टिक अच्छा रहता है। बहुत बड़ी देख के चलो, हाँ पर आप आ गया हो, चलो चलो यहीं पानी है, इससे बचे आगे बढ़े, किसी को फोटी आ रही है तो आराम से यहाँ करके आराम से फ्रेश हो सकता है, वो वॉशिंग के लिए पत्ते की, अगर अगर कोई यहाँ पे दुबकने वाली हूँ गाइस, ठीक है हम रॉबिन को ढूंढेंगे। ओह नो, ये तो दिख रही है अभी से ही, रॉबिन आप दिख रही है, दिख रही है, हाँ अब दिख रही है, और ये कौन आ रहा है सामने, ये से? सामने कौन आ रहा है, ओ हमारी बुरी माँ आ रही है पीछे से, गाइस देखिए, ओ वो ने एक वही काम कर रही है जो वो हमने कहा था अभी आपसे, हल्की हो रही है, गाइस लेडी के फूल देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं गाइस। एक बात पता लगी आज मुझे, मतलब इसका फ्लावर जो होता है ना वो ओनली देखने का होता है, ठीक है अच्छा होता है, पर इससे होता कुछ नहीं, इसके सिर्फ ओनली वो होते हैं बीज बने हुए, पर जो हम लोग यूज़ करते हैं फलियाँ वो पूरे पेड़ पर आती हैं, मतलब अच्छा पूरे स्टेम पे आती हैं, इसका जो फ्लावर होता है वो यूज़ में नहीं आता इस चीज़ की, इससे कोई तेल नहीं होता, ये सिर्फ जो हमारा जो पूरा पेड़ है उसकी शोभा करता है। यहाँ हमारी अम्मा जी आ रही हैं, ये आ चुकी हैं कर कर अपना काम, बारिश की वजह से अम्मा टेंशन में है थोड़ी सी, क्योंकि लेटर ख़राब हो चुका है, वो जा रही है पकड़ के। हम थोड़े फ़ोटो शूट कर लें, फोटो नहीं खींचे हैं यार, ओ भाभी कहाँ है हमारी,
पिछली बार हम पकौड़ियाँ लेके आए थे यहाँ पे रोमन के बर्थडे पे, तो कितना कुछ लेके आए थे। वो ये है मेहंदी का पेड़ जो बहुत कलर देता है, पता है ये बहुत कलर आता है, और मैंने तो इसके लगाई है गाँव में, वो भी अपना घर दिखाने बंगला है, पूरा बंगला भूत बंगला कहते हैं उसे। मम्मा और दीदी कितना स्लो स्लो चल रही है, तो मुझे भी बहुत स्लो स्लो चलना पड़ रहा है। लो दौड़ो, मैं लेटे में आ गई। और बताइए जड़ की मशरूम बनी, और पता नहीं ये देखो ये देखो हैप्पी ब्रावन पागल हो गया। मशरूम ही तो दिखा रही थी, मशरूम दिखा रही थी, देखो इन्हें तोड़ लिया पूरा। मशरूम थ्रू है, फूली हुई लकड़ी है, नॉट अ मशरूम। मैं रख देती हूं चल बंद कर लो। देखो दीदी नहीं है लेटे के फूल। दिस इज फॉर यू रोविन। थैंक यू दीदी सो मच, बहुत अच्छी दीदी है। अब मैं इन्हें वापस करती हूँ दीदी आपके लिए। अब बोलो थैंक यू। अब परी को दो, परी परी को थोड़े से दे दो लो। और मेरे लिए ओ भाभी भी तो रह गई, भाभी को भी दे दो। हमारी भाभी तो रह गई, पता है आपको हमारे भाभी की भैया की शादी अभी भी हुई है, मतलब अक्टूबर में हुई थी 14 अक्टूबर को। तो हमने सोचा क्यों नहीं उन्हें घुमा के लेके आए, तो अब हम घुमाने लेके आए हैं उन्हें। पहली बार गांव देखेंगे हमारा, पहली बार आई हैं तो हम उन्हें अपना पूरा गांव दिखाएंगे, घर दिखाएंगे कि हम पहले कैसे रहते थे और क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे रोटी बनाते थे, पूरा दिखाएंगे हम उनको और आपको भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये है मुर्गी फार्म, यहाँ पर मुर्गियाँ पलती हैं। तो हम अब गाँव में रहने वाले हैं, हमने गाँव में एंट्री ले ली है। ये है पूरा गांव, तो हम जाने वाले हैं में। ये देखो गांव में आ चुके हैं, तो आ चुके हैं अपने घर। तो अब आपको हम अपना घर दिखाएंगे, चाचा जी का घर है। तहेरे तहेरे ये भैया है ताऊ के लड़के, चलते हैं अभी तो हम पूरा दिखाएंगे। यहाँ पे भी कोई ना कोई रहता ही है। हेलो फिर हम गाँव में और बोरा पीछे घर। अभी धूप लग रही है मुझे बहुत तेज, बोरा अंदर को है बहुत ज़्यादा। अंदर जाके दिखाते हैं हम अपने पूरा घर, बहुत पुराना हो चुका है। आ गए हमारा घर, लॉक लग रहा है अभी, तो हम लॉक को लेंगे उसके बाद अंदर जाएंगे। हम आ चुके हैं अपने घर में, यो है गाँव हमारा। बोलते हैं हम बोलते हैं झूला झूलते थे छोटे छोटे, सारे बहन भाई। और ये है मतलब किचन, ये है किचन, यहाँ पे अम्मा जी रहती हैं, तो वो ही खाना वाना बनाती हैं ज़्यादातर। तो अभी और दिखाते हैं, इधर भी है कमरा, कमरा तो नहीं है हॉल है, एक कमरा ये रहा और एक कमरा वो रहा सामने। कमरा है इसमें दिखाई नहीं दे रही आपको, बहुत बड़ा वाला कमरा है। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक और वहाँ से लेके वहाँ तक वो है। छोटे से स्कूल से डरते थे, बहुत ज़्यादा डर लगता था, वो वाला कमरा था वो आराम होगा। ये डायरेक्ट कमरे में गए, कौन सा शॉर्टकट है यहाँ से, ये वाला यहाँ से हम आराम से ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ऊपर दिखाएंगे आपको। तो ये जीना है यहाँ से ऊपर एंट्री है, ये ऊपर जा रहे हैं परी, ऊपर जा रही हैं सबसे पहले परी और हैप्पी गई हैं। तो ये है ऊपर, इधर भी किचन है, पहले थी यहाँ पे, पहले खाना बनता था यहाँ पे, चूल्हा रखा रहता था, अब नहीं है। नाल एक कमरा ये है, बहुत बड़ा कमरा है, इसे बोलते हैं सामने वाले कमरे को दूध घर वाला। यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए कुछ रखा था यहाँ पे, अब नाल नहीं है। एक कमरा ये है, इसमें चाचा चाची रहते थे। एक कमरा ये है जो हम आपको अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये है हमारा कमरा। लोग कहते हैं यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं हुई, यहाँ पे
इसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, सब बोल रहे हैं मम्मी पापा कहते हैं कोई रोशनदान ना है, बहुत टाइट है, पुराना हो चुका है ना। तो अब हम चलते हैं अंदर, यो है अंदर। यहाँ पे बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ नहीं हुआ है, मतलब छोटे छोटे थे, पैदा हुए थे जब की बात है, और ये चले इसमें सामान रखा जाता था, और ये है दूध की चूल्हे बलिया। मम्मी उसको क्या बोलते हैं, इसको ये जो रखा है इसको नहीं दिखाते पापा ने कोई सी दीदी, इसको क्या बोलते हैं अलवा जे तो मठा चलाने का, मठा चलाने के लिए कौन ये है अलवारी, और ये है पत्थर, इसमें खाना खाएंगे भैया और भाभी खाना। चलो आपको उधर दिखाते हैं। तो ये हमारा पूरा गांव, मतलब घर है ये हमारा पूरा पौड़ा वाला, और इधर जो है हम रहते थे, मतलब यहाँ पे ये ऐसे ही रहता था, यहाँ पे कोई कमरा नहीं था, तो हम लोग कहीं पे भी अगर हमें देखना होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो हम इधर से देखते थे। ये देखो पूरी खिड़की है, और अब हम दिखाते हैं आपको हमारी ताई का घर। ये ताई का घर है, और नमस्ते ताई। ये देखो यहाँ पे क्या है, तो तैया का छत्ता इतना बड़ा है, मैंने आपको जूम करके दिखाया है, शायद आपको दिख नहीं रहा है। अब देखो, ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, परी भी देख रही है इसको, तो हम नहीं दिखाते हैं, हमें डर लग रहा है यहाँ पे। और ये है जाल, हम जब छोटे छोटे थे तो चलते थे, डर लगता था इस पर। तो ये है हमारा पूरा घर, और यहाँ पे लिखा हुआ है ओम, ताकि किसी की नजर ना लगे इसीलिए लिख रखा है। देखो मैंने भी छू लिया, मैं छोटी थी तो मैं नहीं छू पाती थी, ये लोग छू छू के देख रहे हैं अपने आए। ये देखो अब हम चलते हैं नीचे, और नीचे भी चाय वाय पीते हैं, चाय देखते हैं, चाय बनाएंगे। पता है सब कुछ छोटा छोटा हो जाता है घर में आके, हम बड़े हो जाते हैं इसलिए। तो आ गए हम लोग नीचे, और हेलो, तो यहाँ पे बन रही है चाय, और ये खोलने वाली है, उसके बाद हम चाय पियेंगे। सब लोग बाहर बैठी है, ये देखो उधर भाभी खड़ी है, और ये है किचन, यहाँ पे सामान, यहाँ पे हम मजे हमारे। तो फिलहाल हमारे दादाजी तो नहीं रहे, और जब हम छोटे छोटे थे तो वो गुजर गए थे, और हम इतना दोस्त था, हमें पता था हमारे दादाजी रहते थे यहाँ पे, अर्पित को नहीं पता था, है ना। यहाँ ये एरिया है, और यहाँ पे बहन रहती थी, वहाँ पे उनके लिए खाना पड़ता था। फिलहाल तो लकड़ियाँ रखी हुई हैं, और सारा काम हमारी मम्मी करती थी और दादी करती थी। यहाँ पे इससे घास काटी जाती थी, और ये उंगली देख रही है मेरी उंगली कटी हुई, वो इससे कटी है। जब मैं छोटी थी तो मैं इस पर बैठ के झूला झूलती थी, और मेरी छोटी वाली सिस्टर हैप्पी, वो उसने मशीन चलाती थी। ये है वो डंडा, इससे मैं बैठ के कटती, और यहाँ पर मेरा हाथ गया था तो उंगली कट गई थी मेरी ये वाली, तो बहुत ज़्यादा खून निकला था, और बहुत ज़्यादा, तो मुझे एकदम सब लोग उठा के ले गए थे, मैं रो ही नहीं थी, बट जब मैंने खून देखा और सब कुछ देखा तो मुझे रोना आया था। यहाँ पर तो यहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक भैंस बनती थी। अभी तो फिलहाल यहाँ पे लकड़ियाँ हैं, बहुत कुछ था यहाँ पे, बहुत ओल्ड हो गया, हम बहुत दिनों बाद आए हैं, पहली बार आई हैं हमारी भाभी गाँव में, इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। आगे तो चाय बन रही है, अभी हमने दिखाया था किचन में कि सब लोग चाय पियेंगे, और दिखाती हैं आपको आगे आगे। ये चीज़ तो दिखाई दी है, पूरा घर दिखा दिया है हमने आपको, और भी देखना। हमारी ब्लॉग पूरा बन चुका है, अब हम जा रहे हैं घर, और वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आती नहीं और आप देखते रहें। थैंक यू सो मच।